खान साहब इस्तीफे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे सर, प्लीज खान साहब गिर जाओगे ना, कोई मुंह करो तो गिर जाओगे। हुआ है सर, फैसला हुआ है, कोई बताए ना सर, कंफ्यूजन है सर, क्या फैसला हुआ है? जो सुन लो, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा अच्छा बोले बोले, ठीक है आराम से। जी सर, जो आदमी राइट, एक मिनट रुक जाए, 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। इस्तीफे दे रहे हैं सर, दे रहे हैं। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। खान साहब मुख्तसर बात कर ले, खान साहब, खान साहब मुझे बाहर निकलने दीजिए। सलाम अलैकुम सर। सर सलाम अलैकुम सर, तेरी अनबिलीवेबल। सर कल का जो अवामी शो था सर, कल का जो अवामी शो था उस पर कमेंट कर सर। कल के शो इज्जत अल्लाह देने वाले यार, इतना ना करो जी, कसम खुदा ने सियासत अब शुरू हुई है, अब इनको पता लगेगा कि कितने 20 का 100 है। और वो करप्ट लोग कल इतवार को ये फाइलें बदलते रहे, आज इन पे फर्द जुर्म ना लगे। ये 12 अरब रुपए के केसेस, एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, फौज को सोचना चाहिए कि वो चेहरे जिनको कौम देखने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने इतवार के दिन अपनी ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेके फाइलें बदली हैं। और मैंने कल प्राइम मिनिस्टर को कहा था, पहले भी मेरी बातें नहीं सुनी गई, कल तकरीबन ये फैसला था कि हम आज इस्तीफा देंगे। मैं अब भी कायम हूँ, 3 दिन के लिए उम्रे पे जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रह गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। अच्छा, शेख साहब ये बताएं, मुस्लिम लीग भी इस्तीफा देगी सर? आपको सबसे पहले देगी।